हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अपना जो वीडियो है, जो व्लॉग है, उसको स्टार्ट करते तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं टेरेस पे। तो आज ना मैंने ये देखे सारे बेडशीट वगैरह सब धोए हैं, सोफ़ा के कवर। तो चलिए हम इसको फैलाते हैं और फिर आज जाना है मार्केट, तो हम चलेंगे मार्केट भी, क्योंकि दिवाली का मतलब पता ही आपको, बाज़ार चल ही रहा है, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और हम जाएंगे मार्केट। तो सबसे पहले हम ये सारे कपड़े फैला लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेडशीट वगैरह कवर, सोफ़ा सेट के कवर, ये सभी धो दिए हैं। कुछ कुछ कपड़े भी थे जो धुलने थे और ये आप देख सकते हैं, पूरी सभी कुछ मतलब मैंने धो दिया है। आज सब धोने से हो गए हैं, अब हम फुर्सत, पिलो कवर सब कुछ यानी धुल चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए, पहुंच चुके हैं मार्केट और सबसे पहले हम आए हैं पूजा वाली शॉप में, क्यों यहाँ से पूजा का सामान लेना है, भगवान के नए वस्त्र वगैरह लेना है और जो भी कुछ पूजा में लगने वाला ना, आज दिया वगैरह, डबलियाँ या ग्वालन, जो भी हमको लगता है पूजा में, सब कुछ हम ले लेंगे, माला, नए वस्त्र भगवान के, तो ये सब लेते हैं। फिर हमको सब्जी भी लेना है तो हम सब्जी मंडी भी आ चुके हैं, सब्जियाँ लेंगे और भी जो भी कुछ भी सामान है फ्रेंड्स, आज पूरा मार्केट जो है हम लोग कर लेंगे, जिससे कि बाद में एकदम से त्यौहार जैसे जैसे पास आए तो मतलब एकदम से मार्केट का काम ना रहे, घर के ही काम ज़्यादा रहे। तो सब्जियां ले लेते हैं और वैसे जो धनतेरस के दिन लिया जाता है वो तो बाद में ही धनतेरस के दिन ही लेंगे आकर, लेकिन और जो पूजा से रिलेटेड जो भी सामान लेना है वो सब हम आज ही पूरा मतलब ख़रीदारी सब करके रख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हो गया आज सुबह में शॉपिंग वगैरह हुई, फिर घर आके सब उसको सिस्टमेटिकली सब अरेंज करके रखा, पूजा का सारा सामान आया, भगवान के वस्त्र आए, लंच वगैरह हुआ, फिर सब्जी मैंने बाद में जमाई है उसके बाद, और ये लोग स्कूल से आ गए, इनका उनको पूरा फ्रेश वगैरह कराया, ये सब हुआ। और फिर उसके बाद ना शाम में फिर से हमको मार्केट जाना था, घर इतना इन लोगों ने फैला के रखा हुआ था कि बता नहीं सकती हूँ। फिर इनसे ही मैंने जमवाया भी है फ्रेंड्स, हाँ मैंने इनसे ही जमवाया है, मैंने नहीं जमाया है, पापा होते हैं तो वो जमवा देते हैं इनका, लेकिन पापा नहीं थे, पापा लेट आए हैं आज, तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि पापा आए थे, खाना वाना खा के मार्केट करा के फिर चले गए हैं, तो अब बस आते ही होंगे थोड़ी देर में, लेकिन इनसे ही मैंने इनका काम कराया है फ्रेंड्स। और अभी जो है आप दोनों को पढ़ने बिठाया है, क्योंकि से कल है, कल क्या है, हिंदी स्टोरी कॉम्पिटिशन, हाँ भाई स्टोरी इंग्लिश में बोल रहे हो, तो हिंदी स्टोरी कॉम्पिटिशन है कल, तो बस वही उसी की तैयारी कर रही है और दोनों पढ़ रही हैं इस बार दोनों ना। वैसे मैंने हर इनका जो भी कॉम्पिटिशन हुआ ना, इंग्लिश स्टोरी का या इंग्लिश राइम्स का या हिंदी राइम्स का, तो उसमें दोनों ने अलग अलग, जैसे इंग्लिश में भी अलग अलग राइम्स बोली थी, हिंदी में भी अलग अलग राइम्स बोली थी, लेकिन हिंदी की स्टोरी वाले में ना ये लोग सेम बोल रही हैं, सेम स्टोरी बोलने वाली है, पैसा कौआ पैसा कौआ, क्योंकि वो इतना था लम्बा, वो दोनों को याद नहीं हो पा रहा था जो मेन एक दूसरी वाली नहीं हो रही थी, प्यासा कौआ इनको याद है, प्यासा कौआ बोल रही है हिंदी स्टोरी में, तो बस वही बोल रही है और उसको ही ये लोग मतलब दोनों अपनी अपनी क्लासेस में यही बोलने वाली हैं। तो इनकी मैं अभी रिवीजन करा रही हूँ, याद तो हो गया है दोनों को, फिर थोड़ा सा और दूसरा पढ़ाई का रिवीजन, ये कौआ प्यासा बता रही है। चलो तो अब पढ़ो, आप तुम लोग आके स्टार्ट करके बोलो, जैसा बोलो वो वही बोलो। नमस्कार, मेरा नाम है
क्यों हंस रहे हो चांद? कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है एक कौवे का साथा। एक कौवे का साथा उसने ढूंढा पानी, घर में पानी छोड़ा था। कौवे ने ढूंढे कंगन, घर में पानी कंगन ऊपर आया पानी, कौवे ने पिया पानी। धन्यवाद। खत्म हुई कहानी। धन्यवाद। चलो आप बोलो अवनी। अब अवनी बोलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अवनी श्रीवास्तव। मैं आपके सामने कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है एक कौवा प्यार साथा। एक कौवा प्यार साथा उसने ढूंढा पानी, उसको मिला पानी, पानी बहुत थोड़ा था। उसको मिला उसको ढूंढने कंगन, घर में डाला कंगन, ऊपर आया पानी, कौवे ने पिया पानी। खत्म हुई कहानी। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है रंगोली दिवाली में रंगोली बनाई जाती है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो अभी हम लोग है ना जो ये पेंट से हॉल में पेंट करके बना रहे हैं रंगोली, मतलब रंगोली बना रहे हैं पर पेंट से बना रहे हैं। तो ये इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, ये बैठे हैं डिज़ाइन बनाने के लिए और इस तरह से जो कौन सी बनाना है ये देख के फिर उसको पेंट करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, छोटे वाले कलर्स है मैं लेट वाला फेवरेट। उसे हमेशा से मेरी अलग है, दो छोटियां बीच में आपने वो छीन ली। इसकी तो छोटियां कौन है? क्या बना रहा है? पिंग पोंग। पिंग पोंग कुछ पिंग पोंग आपको मना अब दिखा दो मेरे को। देखिए ये पूरी डिज़ाइन जो है फ्लावर की ये बन के रेडी हो चुकी है। इस तरह से स्केच पेन से पूरा स्केच उसका बना लिया है। अब इसमें पेंट करना स्टार्ट करेंगे। पहले जो आउटलाइन है उसको वाइट कलर से कर देंगे क्योंकि तभी तो वो हाईलाइट होके दिखती है कोई भी चीज़। तो वही ये कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं भी करने बैठ जाऊँगी तो बच्चों को कौन सुलाएगा ये करेगा, तो इसलिए अभी सिर्फ यही काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 12 o'clock। तो अभी जस्ट बस बच्चों को सुला कर आए हुए हैं क्योंकि कल है सबके स्कूल। तो ये देखिए, बच्चों को सुला दिया है यहाँ पर और अभी इनका भी बस वही पेंटिंग का काम चल ही रहा है। थोड़ा सा रह गया है फिर ये देखिए आप दिखा दें। ये देखिए पूरा लगभग होने पे ही आज इतना यही वाइट कलर करके ही छोड़ेंगे और उसके बाद फिर कल इसमें कलर जो है बाकी के जो भी भरना है वो कल फिल करेंगे क्योंकि ये वाइट जब तक सूखेगा नहीं तो दूसरे पेंट उसमें अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी रंगोली जो है बन चुकी है पेंट से, वाइट कलर की पेंट से इन्होंने बना ली है। अब ये अभी सूख जाए तब इसमें कल जो है कल रात में इसमें कलर वगैरह फिल करेंगे जो दूसरे और कलर करना है। तो वाइट कलर से बहुत ही प्यारी बन चुकी है फ्रेंड्स, ये देखिए आप। और टाइम होने लगा है रात के 12:25। ये घड़ी 5 मिनट्स पीछे है, मतलब 12:30 हो गया है और सब सो गए हैं, बस मैं और ये ही जगे हुए हैं। मुझे भी बहुत नींद आने ही लगी है वैसे भी। ये पर हाँ रंगोली हो चुकी है, बन गई।